मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद आखिरकार दिग्विजय सिंह का मिशन पूरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आखिर क्यों खुद कांग्रेस की ही हार चाहेंगे और कांग्रेस की हार से उन्हें क्या फायदा होगा, ये बताने से पहले हम आपको लिए चलते हैं इतिहास की ओर। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। मध्य प्रदेश में चुनाव के दो महीने पहले तक एक तरफा कांग्रेस का माहौल था, फिर अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस लोगों के दिलों से दूर होने लगी? एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, मोदी का मैजिक चला, शिवराज की लाडली बहनें सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर खुद कांग्रेस और कांग्रेसीज की मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मिशन पूरा हो गया। दरअसल कांग्रेस अब भी दो गुटों में बटी हुई है, एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तो वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ। इन चुनावों में इन दोनों के बीच की लड़ाई जमकर सामने आई। साथ ही 2023 में जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई तो कमलनाथ को ही तवज्जो दी गई। कुछ नाम ऐसे भी थे जिन पर कमलनाथ खुश नहीं थे। ये लड़ाई तो तब बढ़ी जब ना सिर्फ कमलनाथ ने नाम बदल दिए बल्कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने का बयान तक दे डाला। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। भले ही बाद में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दुनिया को दिखाने के लिए ये कह दिया हो कि यह हंसी मजाक है, लेकिन भरे मंच से दिग्गी राजा ने कमलनाथ से एक सवाल पूछ लिया। वो सवाल था कि कपड़े किसके फटने चाहिए। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ना सिर्फ हारी बल्कि तीनों राज्यों में सबसे बड़ी मात बीजेपी ने कांग्रेस को दी। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद से कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ का इस्तीफा मंजूर भी हो गया। हालांकि जब तक नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं होगी खुद कमलनाथ ही इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। कमलनाथ ने इस हार के लिए जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद दिग्विजय सिंह की मंशा पूरी हो गई। अब भी आपके जहन में ये बात होगी कि पार्टी को हराकर या कमलनाथ को हटाकर आखिर दिग्गी राजा को क्या फायदा होगा। मध्य प्रदेश में पहले एक ही दिग्गज नेता थे, वो थे दिग्विजय सिंह, लेकिन आलाकमान ने दिल्ली से पैराशूट से कमलनाथ को भोपाल भेज दिया तो दिग्विजय सिंह की आंखों की किरकिरी कमलनाथ बन गए। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना है अपने बेटे जयवर्धन का राज तिलक कराने का, और यही सपना तो कमलनाथ खुद भी देख रहे थे। 2023 जीतकर ना सिर्फ कमलनाथ सीएम की कुर्सी पाते बल्कि आलाकमान की नजरों में उनका कद और भी बड़ा हो जाता। इसके बाद नकुलनाथ के लिए राह आसान हो जाती। लेकिन अब जब 2023 में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया तो इसका ठीकरा सीधे कमलनाथ के ही सर फूटा है और कमलनाथ ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया और नकुलनाथ के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई। कमलनाथ मंगलवार को दिल्ली पहुंचे, पार्टी आलाकमान के साथ बैठक की, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और कमलनाथ के इस्तीफे को दिल्ली में मंजूर किया गया। कमलनाथ ने दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। खड़गे के घर पर हुई इस मुलाकात में संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी मौजूद थे। आलाकमान ने इस इस्तीफे पर सहमति दे दी। बता दें जब तक मध्य प्रदेश को एक नया अध्यक्ष नहीं मिलता तब तक खुद कमलनाथ कामकाज संभालेंगे। दिग्विजय सिंह के लिए मध्य प्रदेश में अब कोई रोड़ा नहीं बचा, इसलिए इस हार से दिग्विजय सिंह की मंशा तो पूरी हुई ही है। इस पूरे मामले में आप क्या राय रखते हैं? कमलनाथ को साइड करके क्या दिग्विजय सिंह के रास्ते का कांटा हट गया है? क्या दिग्गी राजा ही अब मध्य प्रदेश के सर्वे सर्वा होंगे? कौन होगा यह नया पीसीसी चीफ? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।